नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। ईद अल फितर या ईद मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए रमजान के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास रखते हैं। पानी पीना भी वर्जित होता है। शाम को नमाज अदा कर ही भोजन ग्रहण करते हैं। रमजान के महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाया जाता है। ईद का त्योहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। बच्चे युवा वृद्ध सभी उत्साहित दिखाई देते हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। अमीर गरीब सभी नए वस्त्र जूते चप्पल उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। ईद के दिन सुबह से ही बच्चे युवा वृद्ध सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर सर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। वहां सभी पंक्तिबद्ध होकर विशेष नमाज अदा करते हैं। देश की सभी प्रमुख मस्जिदों में भी ऐसा ही दृश्य देखा जा सकता है। सभी आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवैया बनती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। रात भर मस्जिदों पर रोशनी की जाती है। ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। इस त्योहार पर भारत के सभी समुदायों के लोग बहुत खुश होते हैं। ईद का त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आती है। यह त्योहार दया परोपकार उदारता भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। ईद का चांद जैसे मुहावरे का संबंध ईद के त्योहार से ही है, क्योंकि ईद की गणना और आगमन चंद्रमा के उदय होने पर ही निर्भर होता है। यह त्योहार मुस्लिम भाइयों का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन वे सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ईद शब्द का प्रसन्नता का घोतक है। यह प्रसन्नता सुंदरता तथा पारस्परिक मधुर मिलन के भाव को प्रकट करने वाला त्योहार है। ईद का त्योहार प्रत्येक वर्ष एक बार नहीं बल्कि दो बार आता है। पहले यह फाल्गुन फरवरी मार्च महीने में आता है, तब इसे ईद उल फितर नाम से पुकारते हैं। दूसरी बार यह त्योहार ज्येष्ठ मई मास में आता है, तब इसे ईद उल जुहा नाम दिया जाता है। परंतु यह सर्वथा निश्चित नहीं है कि यह त्योहार प्रतिवर्ष इन्हीं महीने में आए, क्योंकि इसमें तिथि की गणना हिजी कैलेंडर के हिसाब से तथा चांद के उदय होने के साथ घटती बढ़ती है। कई बार तो यह त्योहार अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। इन दो ईद में से एक शाकाहारी ढंग से मनाया जाती है तो दूसरी मांसाहारी ढंग से। शाकाहारी ईद को ईद या मीठी ईद ईद उल मिलाद नाम दिया जाता है। इस दिन सिवैया वह मिठाइयां आदि खाने खिलाने की परंपरा है। मांसाहारी ईद को बकरी ईद नाम दिया जाता है। इस दिन बकरे हलाल कर उनका मांस एक तरह से
श्रीनी या प्रसाद के रूप में बांट कर खाने खिलाने की परंपरा है। ईद से पहले रमजान का पवित्र महीना हुआ करता है। रमजान के महीने में धार्मिक प्रवृत्ति वाले मुसलमानों लोग सूर्य उदय से पूर्व कुछ खा पीकर दिन भर रोजा व्रत रखा करते हैं। पुण्यतया पाक साफ रहकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं तथा सायंकाल में सूर्यास्त के बाद दान पुण्य करके तथा निर्धनों आदि को भोजन खिलाकर तथा बाद में स्वयं खाकर रोजे को समाप्त करते हैं। सभी प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हैं। यह सभी मेलों में जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करते हैं। सभी जन आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं तथा एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। इस प्रकार यह त्योहार आकर प्रसन्नता, समानता, भाईचारे वह निस्वार्थ मेल मिलाप का संदेश दी जाया करते हैं। इस्लामिक जीवन पद्धति एवं संस्कृति की एक झलक मिल जाती है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अनेक धर्मों के लोग के साथ निवास करते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दिवाली, होली, जन्माष्टमी है, उसी प्रकार मुसलमानों के दो प्रसिद्ध त्योहार है, जिनमें से एक को ईद अथवा ईद फितूर कहा जाता है तथा दूसरे को ईद जुल्ला अथवा बकरी ईद कहा जाता है। यह त्योहार प्रेम भाव तथा भाईचारा बढ़ाने वाला है। मुसलमान इन त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ईद फितूर का त्योहार एक मास के रोजे रखने के पश्चात आता है। ईद की प्रतीक्षा हर व्यक्ति को रहती है। ईद का चांद सबके लिए विनम्रता तथा भाईचारा का संदेश लेकर आता है। चांद रात की खुशी का ठिकाना ही नहीं, रात भर लोग बाजारों में कपड़े तथा जूते अथवा खरीदते हैं। वैसे तो ईद की तैयारियों लगभग एक मास पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं, मकानों को सजाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद का चांद देखने के दिन निकट आते हैं, मुसलमान अत्यंत उत्साहित होकर रोजे रखते हैं तथा 5 समय की नमाज के साथ ही तरावीह भी पढ़ा करते हैं। यह सारी इबादतें सामूहिक रूप से की जाती है। रमजान की समाप्ति ईद का त्योहार के लिए खुशी लेकर आता है। इन दिन लोग सुबह को फजीर की समाहुक नमाज अदा करके नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़ों पर इतर भी लगाया जाता है तथा सिर पर टोपी ओढ़ी जाती है। तत्पश्चात लोग अपने अपने घरों से नमाज दोगाना पढ़ने ईदगाह अथवा जमा मस्जिद जाते हैं। नमाज पढ़ने के पश्चात सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की बधाइयां देते हैं। इन दिन दुकानों तथा बाजार दुल्हन की तरह सजाया जाता है। प्रत्येक मुसलमान अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार मिठाइयां, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं। लोग मित्र और संबंधियों में मिठाइयां बंटवाते हैं। ईद के दिन की सबसे खास चीजें सेवैया और शीर होती है। लोग जब ईद की शुभकामनाएं देने एक दूसरे के घर जाते हैं तो शीर अथवा सिवैया खिलाकर अपनी खुशी इजहार किया जाता है। ईद उल फितूर के लगभग 2 मास पश्चात ईद जुहा का त्योहार आता है। इस त्योहार के दिन भी पूर्व की भांति सुबह को नमाज दोगाना पढ़ी जाती है, फिर घर आकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार बकरे की कुर्बानी देना पैगंबर इब्राहिम साहब की स्तुति है। इस त्योहार के मौके पर भी शीर तथा मिठाइयां से मुसलमान भाई एक दूसरे का स्वागत तथा तवाजो करते हैं और उल्लास से एक दूसरे की सफलता की दुआ खुदा से करते हैं। ईद का त्योहार हमें यह शिक्षा
देता है कि हमें मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया हो। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।